नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित मनोहरपुर गाँव में यूनियन के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सड़क से सटी हुई किसानों की जमीनों पर व्यापारिक वर्ग की टिक रही निगाहों से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि जमीन महंगी बेचकर किसान कतई भी खुश न हो। अच्छा होगा कि उस जमीन पर कोई स्वयं का रोजगार स्थापित कर पैसा कमाएं। उन्होंने सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच तीन विकल्प चुनने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहला विकल्प विरोधी ना रहकर सरकार में शामिल हो या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। अगर इन दोनों से बचना है तो आंदोलन की रणनीति पर काम करें। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में टूरिस्ट स्पॉट तैयार हो रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ आदि राज्यों से जितने भी पर्यटक आएंगे उन सभी को बिहारीगढ़ से ही आवागमन करना है। इसलिए हाईवे के किनारे जहाँ भी जमीन है वहाँ पर अपना रोजगार संचालित कर पैसा कमाएं। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार एमएसपी कानून बनाकर लागू नहीं करती तब तक किसानों की आर्थिक हालत सुधर नहीं सकती। इसलिए संगठन को मजबूत बनाने और किसान हित में काम करने पर भी ध्यान दिया जाए और संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने घाट क्षेत्र के किसानों से मोटे अनाज की खेती करने के साथ ही अनाज का व्यापार शुरू करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासनिक अधिकारियों एवं मीडिया के समक्ष उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान किसान नेता जिले सिंह, डॉक्टर राजवीर सिंह काम्बोज, राकेश काम्बोज, रणवीर सिंह, बाबूराम, अजय काम्बोज, दिलशाद मलिक, अमित धीमान, बबली काम्बोज, आरिफ मिर्जा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।